देखिए प्रश्न नंबर 6 से 9 में दिए गए प्रत्येक समीकरण को हल करना है, जिसके अंतर्गत पहला देखिए प्रश्न नंबर 6 हमने लिखा है, तो इसको लिखेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। से तुलना करने पर क्या आएगा हमको, देखिए a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर 20/3 आ गया। अब हम सूत्र लिख लेते हैं मूल ज्ञात करने का, x बराबर -b करनी में b स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो माइनस देखिए माइनस और b का भी मान माइनस में दिया हुआ है, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है, -4 का स्क्वायर -4 × 3 × 20/3 लिखा, ठीक ना, बटे 2 × 3 लिखा। देखिए ये हो जाता है --2 प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस करनी 4 × 16 और ये 3 कट गया, ये 20 × 4 = 80 हो गया बटे 6। तो देखिए 16 में 80 गया तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4 प्लस माइनस ये 64 हो जाएगा, ठीक ना, 16 × 64 ठीक है बटे ये 6। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, देखिए ये हो जाएगा 8 × 28 = 64 होता है, इसमें से 8 बाहर आ जाएगा और अंदर केवल ये माइनस आई बढ़ जाएगा, ठीक ना। या तो हम पहले इसको हल कर लेते हैं, देखिए इसको कर लेंगे i² 64, ठीक ना, बटे 6। तो आई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, आई बनकर 64 का ये 8 बाहर निकल जाएगा, तो ये लिखेंगे 4 प्लस माइनस आई और 8 बटे ये 6, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हल किस रूप में आंसर दिया हुआ है, अलग अलग करके दिया हुआ है, तो देखिए हम इसको अलग कर लेते हैं, x बराबर 4/6 प्लस माइनस आई 8/6। तो देखिए आंसर आ गया 2 × 4 2 × 3 6 2/3 प्लस माइनस आई ये 2 × 4 8 2 × 3 6 मतलब 4/3। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया हमको, ठीक ना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 अब हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, इसको अभी तुलना करके हम ए बी और सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए ए का मान क्या आ गया 1, बी का मान -2 और सी का मान 3/2 आ गया। तो हम सूत्र लिख देते हैं -b + -b² - 4ac/2a। तो देखिए b का भी मान माइनस में है, -2 प्लस माइनस √b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 × a × 3/2, ठीक ना, बटे 2 × 1। 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √2 का 4 और 2 × 1 = 2 × 4 मतलब 3 × 6/2 आ गया। तो इसके आगे हल करेंगे, लिखेंगे x बराबर 2 प्लस माइनस -2 आ जाएगा ये, ठीक ना, 4 × 2 = 6/2 आ गया। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस माइनस, देखिए ये हो जाएगा, लिख सकते हैं i² 2/2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस आई और करनी 2/2 हो गया। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस माइनस √i √2/2। देखिए कटेगा तो जाएगा x बराबर 1 प्लस माइनस आई √2/2। देखिए इसके भी मूल हमें ज्ञात हो गए, अब प्रश्न नंबर 8 करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, इसको लिखते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमको ए बी और सी का मान ज्ञात हो जाएगा।
लिखेंगे a बराबर 27, b बराबर माइनस 10 और c बराबर 1 आ गया। अब हम सूत्र लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। मान रख दीजिए b का मान माइनस 10 है तो माइनस 10 लिख दिया, प्लस माइनस करनी b का माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 27 इंटू ए, ठीक ना, 4ac बटे 2 गुणे ये 27। तो ये देखिए दो माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस माइनस करने 10 का वर्ग 100 माइनस 27 चौके, तो 27 चौके कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 7 चौक 28, 4 दुनी 8, 2 10, तो ये जगह 108 बटे 27 दुनी ये 54 हो गया, ठीक ना। अब इसको देखिए हटाएंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, तो यहाँ कर लेते हैं यक्स बराबर 10 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 8 आएगा, तो ये हो गया माइनस 8 बटे ये 54 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इस माइनस को लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस रूट अंडर आई स्क्वायर 8 बटे ये 54। इसमें से देखिए आई स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस, देखिए आई बाहर निकल गया, ये है 8, 8 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें से 2 भी बाहर आ जाएगा और एक कण 2 बच जाएगा बटे ये 54। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये जाएगा 10 बटे 54 प्लस माइनस आई 2 करनी 2 बटे ये 54। तो इसको हल करेंगे, देखिए 2 पंचे 10, 2 दुनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 ये 27 आ गया। तो देखिए इसका मान आ जाएगा 5 बटे 27 प्लस माइनस आई करनी 2 बटे ये 27, ठीक ना। तो देखिए इसका भी मूल हमें ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 9 लिखा है तो इसको हम हल करते हैं। तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमको देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बराबर 21, बी बराबर माइनस 28 और सी बराबर ये 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब हम सूत्र लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखिए b का मान माइनस 28 प्लस माइनस करनी b का मान माइनस 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 10 बटे 2 गुणे 21। देखिए 2 मिलकर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 28 प्लस माइनस करनी तो देखिए 28 का वर्ग 784 होता है, वर्क करें ये हो गया 4 दुनी 8, ये हो गया 4 एकम 4, 4 दुनी 8 ये हो गया, देखिए ठीक ना, 21 चौ 84 एक 0 बटे 21 दुनी 42, ठीक ना। तो अब इसको देखिए माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 84 हटाएंगे 440 में से, 84 85 16 40 50 56 आएगा, तो देखिए लिखेंगे 28 प्लस माइनस करने में माइनस 56, ठीक ना, 784 56 6 4 10 8 5 13 14 8 ठीक है बटे 42, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे 28 प्लस माइनस, माइनस को लिख सकते हैं आई स्क्वायर और ये 56 बटे 42, तो जगह 28 प्लस माइनस आई स्क्वायर का बाहर निकलेगा, 56 का देखिए क्या हो जाएगा, 8 सते 56 होता है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े ये 7, ठीक ना, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा तो आएगा 2 और करनी 14 हो जाएगा, ठीक ना, बटे ये 42 हो गया। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये जगह 28 बटे 42 प्लस माइनस आई 2 करनी 14 बटे ये 42, इसको काट लेते हैं
चौदह दूनी अट्ठाईस, चौदह तिहाई बयालीस, ये हो गया दो बटे तीन प्लस माइनस, ये हो जाएगा दो और ये इक्कीस ही आएगा इसका। आई करनी चौदह बटे इक्कीस। तो देखिए इसका अभी मूल ज्ञात हो गए। अब प्रश्न नंबर 9 हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए इसमें जेड वन बराबर ये दिया हुआ है और जेड टू का देखिए दो समीकरण संख्या दी हुई है और हमको इसका मॉड निकालना है, ठीक ना, मॉडलस या मापांक ज्ञात करना है। तो हम इसको पहले सबसे पहले इसमें जेड वन जेड टू का वैल्यू ही मान रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हल करेंगे, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस वन बटे जेड वन माइनस जेड टू प्लस एक। तो इसमें हम जेड वन का मान रख देते हैं टू माइनस आई प्लस वन प्लस आई, और ये प्लस वन है प्लस वन लिख लिया, बटे जेड वन का मान क्या है टू माइनस आई, और ये देखिए माइनस में है, ठीक ना। तो हाँ एक बार हम लिख लेते हैं सबको ऐसे, माइनस जेड टू कितना है वन प्लस ये आई प्लस वन। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ऊपर ऊपर जैसा है वैसा ही नोट कर लेंगे। तो ये हमने ऐसे ही नोट कर लिया, बट ये हो जाएगा टू माइनस आई, देखिए ब्रैकेट है के पहले माइनस है, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक माइनस आई प्लस एक। तो इसमें देखिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस ही है ये, ठीक ना। तो ये माइन प्लस आई और माइनस आई कैंसिल हो गया, और इसमें देखिए क्या बचा, दो तीन और एक चार, ठीक, बटे देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा टू माइनस टू आई, ठीक ना, आई आई माइनस टू आई। अब इसको आप हल करिए, टू कॉमन ले लेंगे, बटे टू वन माइनस आई, तो इससे ये कैंसिल, ये टू आया, ठीक ना। अब इसका हम ऊपर नीचे कंजुगेट से संयुग्मी के संग इनटू कर देते हैं, दो बटे वन माइनस आई कूड़े वन प्लस आई बटे वन प्लस आई, ठीक ना। तो देखिए इसका हो जाएगा दो ये वन प्लस आई बटे आई, इसका आप जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस ये वन का स्क्वायर, वास्तविक भाग का वर्ग और अधिकल्पित भाग का वर्ग लिख लिया, ये हो गया ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिया, ये हो जाएगा देखिए एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक मतलब ये दो आ गया हमको, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया वन प्लस आई, ठीक ना। मॉड निकालना इसका मतलब देखिए रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस अधिकल्पित भाग का स्क्वायर, तो बराबर वन प्लस वन बराबर ये करनिंग ये दो प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको देखिए प्रश्न नंबर 10 हमने हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 11 देखें। देखिए प्रश्न नंबर 11 जिसमें हमको ये दिया हुआ है और इस प्रकार हमको ये सिद्ध करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एक पहले भी पढ़ा हुआ है, अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो लिखेंगे पहले इस क्वेश्चन, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बटे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक ना। तो इसका हम क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का संयुग्मी ले लेते हैं, ठीक ना, लिखते हैं दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी का ये संयुग्मी ले लिया बराबर एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बटे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ये देखिए पूरे पर संयुग्मी ले लिया, ठीक ना। तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा बराबर, देखिए ये दो बार लिखा हुआ है, ठीक ना। तो क्या करेंगे जब इसका संयुग्मी लेंगे, तो देखिए पहले अगर हम ये नियम लगाएं कि अगर जेड वन और जेड टू का अगर संयुग्मी पूरे के ऊपर लगा हो तो हम इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ये संयुग्मी देखिए दोनों पर लग जाएगा, यक्स प्लस आई, देखिए हम इसको दो बार भी लिख सकते हैं, यक्स प्लस आई है ना, घात दो है, दो बार लिख लिया, देखिए इसका ये लिख लिया संयुग्मी, बटे देखिए नीचे क्या है, ये वास्तविक संख्या है, मतलब
इसमें कोई वास्तविक पूरी संख्या है, कोई इसमें अधिकल्पित भाग नहीं है, तो इसलिए इसका संयुग्मी इसका चिन्ह मतलब करने से जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कभी संयुग्मी करते हैं हम तो केवल अधिकल्पित भाग का चिन्ह बदलता है। चूंकि इसमें उसमें अधिकल्पित भाग नहीं है तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चाहे दो बार लिखिए इसको, चाहे एक बार ही लिख लीजिए, घात दो लगा लेंगे इसके ऊपर। तो देखिए जब लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा ए माइनस आई बी बराबर, देखिए इसका हो जाएगा यक्स माइनस आई और इसका भी हो जाएगा यक्स माइनस आई, तो ये हो गया, ये देखिए दो होल स्क्वायर है, ठीक ना। ये हो गया टू यक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक ना। चाहे तो आप इसको एक बार और लिख कर ऐसे, फिर अगली बार जब इसको करेंगे, देखिए सेम चीज़ है इसलिए हम इसके ऊपर घात दो लगा ले रहे थे, ठीक ना। तो ये घात दो हो गया, तो इस तरह स्टेप बच गया इससे, इन्हें तो एक बार और लिखना पड़ता ये हमें, ठीक ना। तो ये हो गया किसी भी दो संख्या का, अगर देखिए जेड वन और जेड टू का एक पूरा संयुग्मी है तो इसका जेड वन गुड़े जेड वन का संयुग्मी गुड़े जेड टू का संयुग्मी होता है। तो देखिए ये हमको समीकरण दो प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब देखिए समीकरण एक और दो को अगर हम गुणा करें तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमको। देखिए ये क्वेश्चन में ये स्क्वायर है, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण एक एवं दो का गुणा करने पर, गुणा करने ये पर, तो देखिए क्या करेंगे हम, इसका बायां पक्ष बाईं तरफ गुणा करेंगे, दायां पक्ष दाईं तरफ गुणा करेंगे। तो देखिए ये चीज़ है, इनको इनको एक साथ बाईं तरफ गुणा करेंगे, लिखेंगे a प्लस आई बी गुणे ए माइनस आई बी बराबर। अब इनको गुणा कर लेते हैं तो लिखेंगे x प्लस आई का होल स्क्वायर बटे टू यक्स स्क्वायर प्लस वन गुणे यक्स माइनस आई का होल स्क्वायर बटे टू यक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक ना। देखिए गुणा कर लिया, देखिए ये क्या है, अगर इसको आप करेंगे यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई फॉर्मूला लगाएंगे तो जगह यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मगर जब देखिए किसी भी संख्या समी संख्या के उसके कंजुगेट्स के संग गुणा करते हैं तो हमें मालूम है ये वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग हमको प्राप्त होता है, ठीक ना। अब देखिए इसका अगर हम हल करें तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आई और x माइनस आई का पूरे के घात दो ऐसे बटे, देखिए सेम चीज़ है तो ये हो जाएगा टू यक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए सेम चीज़ है समी संख्या का उसके संयुग्मी के संग गुणा कर रहे हैं तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस ये वन का स्क्वायर, ठीक ना। और ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है बट ए टू यक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखिए ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वन और एक का होल स्क्वायर है बट ए टू यक्स स्क्वायर प्लस वन का ये होल स्क्वायर। तो देखिए हमको यही सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 हमने हल कर लिया। तो देखिए अगला प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 है जिसमें दो समी संख्या दे रखी हैं जेड वन और जेड टू और हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसलिए लिखा है जेड वन इंटू जेड टू अपॉन जेड वन का है ना संयुग्मी है ना मॉड लगा सॉरी कंजुगेट लिखा हुआ है संयुग्मी है ये, ठीक ना। जेड वन का संयुग्मी जब आप इसको करेंगे तो इसका जो रियल पार्ट आएगा है ना वास्तविक भाग आएगा वो हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम पहले जेड वन और जेड टू कर लेते हैं, जेड वन जेड टू बटे मॉड ऑफ जेड वन, ठीक ना सॉरी संयुग्मी है कंजुगेट कहते हैं, ठीक ना। मॉड नहीं है ये, कंजुगेट है ये, है ना संयुग्मी है ये। तो इसको देखिए रख लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए इसमें हमको जेड वन और जेड टू दिया हुआ है और हम जेड वन का मॉड निकाल लेते हैं। देखिए जेड वन क्या चीज़ लिखा हुआ है टू माइनस आई और माइनस टू प्लस आई, ठीक ना बटे में देखिए जेड वन का मॉड दिया हुआ है, ठीक ना। तो जेड वन क्या चीज़ दिया हुआ है टू माइनस आई का हम मॉड निकालेंगे, ठीक ना। तो इसका क्या सीधे जो अधिकल्पित भाग है उसका चिन्ह हम बदल लेते हैं। देखिए इसका अगर हम गुणा करें तो दो दुनी ये चार हो गया, ये हो जाएगा प्लस टू आई और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस टू आई, ठीक ना।
और इसका बड़ा इसमें करेंगे तो ये माइनस और ये आई स्क्वायर हो गया बटे, देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस आई, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये दो दो चार हो गया और ये हो जाएगा दो दो चार आई, और ये माइनस आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है तो इसके कारण ये प्लस वन हो गया 2 प्लस ये आई। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, देखिए ये कितना आ जाएगा माइनस तीन प्लस फोर आई बटे 2 प्लस आई, ठीक ना। ये हमको ये प्राप्त हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके संयुग्मी के संग ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 2 माइनस आई बटे 2 माइनस आई। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका बड़ा इसमें करते हैं माइनस छः, ये हो जाएगा प्लस थ्री आई, और इसका चार दूनी आठ आई, और इसका करेंगे तो माइनस चार आई स्क्वायर, ठीक ना। बटे में देखिए ये तो सीधे 2 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो इसका पहले आई स्क्वायर का एक माइनस निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं माइनस छः आठ नौ दस ग्यारह प्लस इलेवन आई, और ये माइनस ये प्लस फोर हो जाएगा बट ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो देखिए इसको जाएगा तो 4 है ना, 4 दो 6, 6 में 4 गया 2 माइनस प्लस इलेवन आई बटे ये 5। तो हम वास्तविक भाग अलग और अधिकल्पित भाग अलग लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए Z1 Z2 बटे Z1 का मॉड बराबर, देखिए ये आया माइनस 2 बटे 5 प्लस आई 11 बटे 5। और जब इसका रियल पार्ट अगर हमको लिखना हो तो देखिए क्या आ जाएगा, Z1 Z2 बटे Z1 का बार है ना, संयुग्मी बोलते हैं इसको, कंजुगेट बोलते हैं, ये आ गया माइनस 2 बटे ये 5 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने प्रश्न 12 का पहला भाग कर लिया। अब एक इसमें एक और भाग है तो उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए इसका क्या होगा, तो हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं फिर इसका अधिकल्पित भाग जो है उसको हम लिख लेंगे, ठीक ना। तो ये देखिए, देखिए इसमें एक नियम होता है Z1, और अगर Z1 के मॉड ये कंजुगेट लगा हो तो इसको हम मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप चाहे तो इस पर फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक ना। ये जो नियम हमने बताया था उस पर भी ये लग सकता है, ठीक ना। तो पहले हम इस पर लगा लेते हैं फिर सिंपल इसको हल करके भी बताते हैं आपको। देखिए एक बटे Z1 का कंजुगेट अपॉन क्या हो जाएगा, एक बटे देखिए हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक ना। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर का मतलब देखिए क्या होता है इसमें, देखिए अगर कोई भी संख्या Z1 में a प्लस आई बी हो, ठीक ना, तो इसका मॉड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और अगर इसका मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल एक कर्णी हट जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस अधिकल्पित भाग का स्क्वायर रह जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए ये किसका था, Z1 की ही बात था तो Z1 है ना, Z1 लिख देते हैं। तो Z1 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। तो इसको तुलना करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा 1 बटे 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 सॉरी 2 दूनी 4 और 1 कम 1 तो ये 5 आ गया, ठीक ना, ये आ गया। अब इसको अगर हम देखिए लिखेंगे तो ये जगह 1 बटे 5 प्लस आई ये 0 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार Z1 और Z1 का बार का देखिए अगर इमेजिनरी पार्ट अगर हम लिखें इसका, 1 बटे Z1 और Z1 का कंजुगेट बराबर तो ये 0 आया, ठीक ना। इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है इसलिए हमारा देखिए 0 आंसर आया, ठीक। और अगर आपको इस अगर ये याद ना आए तो आप क्या करिए, सीधे Z1 का मान ही रख देते हैं। तो देखिए हम रख के दिखाते हैं आपको, एक दूसरे तरीके से भी कर देते हैं इसको। तो देखिए ये रहा, देखिए पहले हम लिखते हैं 1 बटे Z1 और Z1 का कंजुगेट। तो 1 बटे Z1 कितना है भाई, 2 माइनस आई, और कंजुगेट कितना हो जाएगा, तो इसी का हम एक बार लिख लेते हैं, इसी के ऊपर बार लगा लेते हैं, ठीक ना। फिर हम इसको लिखेंगे तो जाएगा 2 माइनस आई, और ये 2 प्लस ये आई,
ठीक। अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए किसी भी संख्या के उसके समीप के कंजुगेट के संग गुणा करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक ना। तो ये देखिए इसके इससे भी आंसर आ गया, दो दूनी चार और एक बराबर ये पाँच आ गया, ठीक ना। तो हम लिखेंगे एक बटे जेड वन और जेड वन का बार। तो इसको हम अगर वास्तविक संख्या के रूप में लिखें तो ये देखिए अधिक समीप संख्या के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, और अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिखें तो ये हो जाएगा यहाँ जीरो आ गया, ठीक ना। तो देखिए दोनों तरीके से आप इसको लगाएंगे आंसर सेम आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, ये समीप संख्या आपको दी हुई है, इसका मापांक और गुणांक ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं, माना z बराबर 1 प्लस 2i बटे 1 माइनस 3i, ठीक ना। तो ये एक समीप संख्या दी हुई है, कर देखिए मापांक का गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको पहले इसको इस रूप में बदलना पड़ेगा, a प्लस आई बी जो ये मानक रूप है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए 1 प्लस 2i बटे 1 माइनस 3i गुणे 1 प्लस 3i बटे 1 माइनस 3i गुणा करते हैं इसका। तो इसका उड़ा एक गुड़ा इन दोनों में करेंगे तो सेम चीज़ 1 प्लस 3i आ गया, इसका उड़ा इसमें करेंगे तो प्लस 2i और इसका 3 दूनी 6i स्क्वायर बटे, देखिए ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक ना, वास्तविक और रियल पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब देखिए ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 2 5 ये 5i और ये माइनस 6 बटे 1 और 3 त्रिकाई ये 9। तो इस प्रकार एक में अगर 6 गया तो माइनस 5 प्लस 5i बटे ये 10 आ गया, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हल कर लेंगे तो ये आया, देखिए अलग अलग कर लेंगे तो z बराबर माइनस 5 बटे 10 प्लस 5 बटे 10 आई। तो ये इसको सरल करेंगे तो जाएगा माइनस 1 बटे 2 और आई 1 बटे ये 2 हो गया, ठीक ना। 5 दूनी 10, 5 कम 5 दूनी 10, 1 बटे 2 आया। इस प्रकार देखिए हमको इसको a प्लस आई बी के रूप में लिख लिया। अब देखिए इसको अब देखिए ये यहाँ तक तो बदल लिया, a प्लस आई बी में लिख लिया। अब हम मापांक की तरह कोशिश करेंगे। देखिए मापांक क्या होता है, मापांक r बराबर मोड ऑफ जेड बराबर देखिए होता है, अगर लिखें तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो देखिए इसमें लिख लेंगे कितना आ जाएगा, रियल पार्ट कितना है माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 बटे 2 का स्क्वायर बराबर एक जगह 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 4 बराबर इसको आप जोड़ेंगे तो जाएगा 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2। तो देखिए r का मान कितना आया, 1 बटे करनी 2, ठीक ना। अब हम गुणांक ज्ञात करेंगे, थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा ज्ञात करने के लिए देखिए क्या बताया था, सबसे पहले आप दिए हुए समीप संख्या के चतुर्थांश को चेक करिए। तो देखिए ये है माइनस और ये है प्लस, माइनस और प्लस ये किस चतुर्थांश होता है, ये दूसरे चतुर्थांश में एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस होता है। और दूसरे चतुर्थांश के लिए हमने थीटा निकालने के लिए क्या बोला था, पाई माइनस अल्फा होता है। तो अब पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं, ये होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटे रियल पार्ट ऑफ ये जेड। तो इस पर मान रख लेते हैं, थोड़ा यही कर लेते हैं। तो देखिए इसमें टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसमें 1 बटे 2, देखिए 1 बटे 2 बटे रियल पार्ट 1 बटे 2 माइनस में है, ठीक ना। तो जब आप इसको करेंगे तो ये जाएगा टेन इनवर्स मॉड ऑफ माइनस 1, ठीक ना। सेम चीज़ है, कटेगा तो माइनस 1, चूँकि मॉड लगा है तो ये टेन इनवर्स ये 1 आएगा, ठीक ना। तो देखिए 10 1 पर 1 किसका किस डिग्री पर होता है, ये होता है पाई बाई ये 4 होता है। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में हमने क्या बोला, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है,
तो हम यही लिख दे रहे हैं थीटा बराबर पाई माइनस पाई बाई ये फोर, इस प्रकार थ्री पाई बाई ये फोर प्राप्त हुआ। तो देखिए थीटा हमको ये आ गया, कोणांक ज्ञात हो गया और ये मापांक है, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 भी हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, इसमें दिखा है कि ये चीज़ इसका संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्या यक्स और वाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो जैसे लिखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए लिखा है यक्स माइनस आई वाई और थ्री प्लस फाइव पाई, बोलता है इस संख्या का माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आई का संयुग्मी है, ठीक ना। तो सिंपल हमने उसको पर संयुग्मी लगा लिया, इसका हम संयुग्मी निकाल के यहाँ लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स और प्लस फाइव यक्स आई, और जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस थ्री वाई आई, ठीक ना। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस फाइव वाई आई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा माइनस सिक्स, और जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर आई। अब देखिए इसको थ्री एक्स और इधर पाँच में से तीन गया दो, तो ये अच्छा ये घटेगा नहीं, यहाँ x है और यहाँ y है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना होगा i। ये हो गया 5x माइनस थ्री वाई और ये हो जाएगा देखिए प्लस फाइव वाई, ठीक ना। आई स्क्वायर का मान हो जाएगा, जब यहाँ गुणा किया है तो आई स्क्वायर माइनस और ये माइनस के कारण प्लस हो गया, माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आई, ठीक ना। तो अब देखिए इसको भी साथ में लिख लेते हैं, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई प्लस आई फाइव एक्स माइनस थ्री वाई बराबर माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर आई। अब लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों में पक्षों से वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर की तुलना करने पर, तो देखिए ये है वास्तविक, तो इसका इधर वास्तविक, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर माइनस सिक्स, समीकरण एक हो गया। इसको लिखेंगे 3x माइनस 3y बराबर 24, ठीक ना, समीकरण दो। तो इसमें देखिए विलोपन प्रतिस्थापन कोई भी विधि लगा लेंगे और हम इसमें x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम इसमें विलोपन विधि लगा रहे हैं, तो देखिए समीकरण एक में पाँच गुणा कर देंगे और समीकरण दो में तीन का गुणा करेंगे, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए पाँच तिहाई पंद्रह एक्स, पाँच पचे पच्चीस वाई बराबर छः पंचे तीस, ठीक ना। ये हो गया पाँच तिहाई पंद्रह माइनस तीन त्रिकाई नौ वाई बराबर चौबीस तिहाई बहत्तर, तो हो गया बहत्तर। अब इसको घटाने पर देखो, देखिए घटाने पर क्या प्राप्त होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो ये चीज़ कट जाएगा और जब उन 25 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 34 हो जाएगा, तो ये हो गया 34 वाई बराबर, इसको देखिए माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा, तो ये 2 और 7 3 10। अब देखिए हम वाई का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा वाई बराबर माइनस 102 बटे ये 34, ठीक ना। देख लेते हैं इसको तीन बार में देखते हैं इसको, 34 गुणे तीन 12 तीन का 9 एक 10, तो इस प्रकार देखिए 34 तिहाई मतलब y का मान माइनस तीन आ गया, ठीक ना, एक मान आ गया। अब देखेंगे y का मान, देखिए y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है 3x प्लस 5y बराबर माइनस सिक्स, तो 3x प्लस 5 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 6,
तो ये हो गया 3x पाँच तिहाई 15 बराबर माइनस 6। तो 3x बराबर माइनस 6 प्लस 15, 3x बराबर 15 में अगर 6 गया तो 9 आएगा, तो ये हो गया 9/3। तो 3 × 9 x का मान 3 आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, अतः x बराबर 3 और y बराबर -3। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 है जिसका हमें मापांक ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको हम पहले पूरा z बराबर मान लेते हैं और इसका पहले इसको हल कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं और इसको a प्लस आई बी के रूप में निकालेंगे। तो इसका देखिए लघुत्तम ले लेंगे 1 - i 1 + i, ठीक ना। इसका बड़ा इसमें करेंगे तो 1 + i का होल स्क्वायर माइनस इसका बड़ा इसमें करेंगे 1 - i का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × i और इसको आप ओपन करेंगे तो ये लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × i बट ए। देखिए इसको करेंगे तो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर, ठीक ना। ये 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस i का स्क्वायर हो जाएगा i स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 i और इसको करेंगे, देखिए ब्रैकेट भी खोलते जाएंगे तो जाएगा माइनस 1 और इसको करेंगे तो माइनस i स्क्वायर और ये प्लस 2 i हो जाएगा और बटे में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 × 2 = 4 i बटे ये 2, तो ये कट के ये 2 आ गया, मतलब 2 i आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसका हमको मापांक ज्ञात करना है, तो ये होगा 0 + 2 i, ठीक ना। मापांक ज्ञात कर लेते हैं। देखिए जेड का मॉड बराबर ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर, तो रियल पार्ट क्या है 0, तो ये 0 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस ये 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और पुनः ये 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार मापांक हमको 2 प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 को भी हमने हल कर लिया। अपन प्लस प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 है जिसमें हमको ये दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर जो दिया है उसको लिखें हम यहाँ पर x प्लस आई वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आई वी। इसमें हम x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए ये सूत्र होता है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस 3 x² y प्लस 3 xy² प्लस वाई क्यूब, ठीक ना। ये सूत्र होता है तो इस पर हम लोग रख लेते हैं। देखिए x का क्यूब है तो हम यहाँ लिखते हैं x का क्यूब प्लस 3 x² और ये y, ठीक, प्लस 3 xy² प्लस iy का होल क्यूब, ठीक ना। ये रख लिया, अब इसको हल करते हैं बराबर ये u प्लस आई वी लिखा हुआ है। ये हो गया x क्यूब प्लस ये हो जाएगा देखिए i 3 x² y और देखिए इसको क्या करेंगे, ये i का स्क्वायर है तो यहाँ माइनस 1 आएगा, यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं 3 xy² और देखिए i क्यूब है, ठीक ना। i क्यूब का होता है माइनस i और y का ये क्यूब लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। आई क्यूब है, आई क्यूब का माइनस आई होता है तो सो मैंने माइनस आई लिखा और वाई का क्यूब वाई क्यूब लिख दिया, ठीक ना। यू प्लस आई वी
अब इसमें वास्तविक भाग जो है उसको एक साथ लिख लेते हैं, एक्स क्यूब ये लिखा, और देखिए ये भी है इसको भी लिख लेते हैं, थ्री एक्स वाई स्क्वायर एक तरफ लिख लिया, और ये आई लिख कर थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इनको अधिकल्पित भाग एक तरफ लिख लिया बराबर u प्लस आई वी, ठीक ना। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में या से वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ये है वास्तविक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर u बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। और अधिकल्पित भाग ये है तो इसको लिख लेते हैं हम, v बराबर थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक ना। इसमें से देखिए हम x कॉमन निकाल सकते हैं, ये लिख लिया x, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक ना। x बाहर निकाल लिया x स्क्वायर, ये x को नीचे भेज लेते हैं, तो जगह u बटे x बराबर x स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक ना, ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ हम y निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए y थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको नीचे भेज लेते हैं, तो v बटे y बराबर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब ये आ गया, ये इन दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यही देख लेते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा, यही लिख लेते हैं, u बटे x प्लस v बटे y बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा तीन और एक चार, तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, और ये तीन और एक चार माइनस वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर, यहाँ से हम फोर बाहर ले लेते हैं तो माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर। तो देखिए ये बराबर ये हमारा प्राप्त हो गया, तो देखिए यही हमको सिद्ध करना था, तो देखिए हमने इसको हल कर लिया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 है जिसमें अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं, मतलब अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं, जहां मॉड ऑफ बी इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू वन दिया है, और इसका हमको मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए इसको हल करने के लिए कुछ नियम हैं उसको हम देख लेते हैं पहले। देखिए इसमें हमने बताया था मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, देखिए क्या होता है, ये होता है जेड गुड़े जेड का मॉड, ठीक ना, ये हमने बताया है पहले। तो अगर हम इसको अगर इस पर रख के हल करें तो देखिए क्या बनता है इसका, देखिए ये हो जाएगा बीटा, या तो बीटा माइनस अल्फा बटे वन माइनस अल्फा, ये चीज़ है, ये स्क्वायर है, ठीक ना। यहाँ पर हमने इसका पूरा, इसको हमने पूरा जेड मान लिया, सो हमने लिख लिया, तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट बटे पहले इसको लिख लेते हैं वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक ना, ये पहले हमने लिख लिया, ये चीज़ था, ये जेड का मान हमने लिख लिया, इसको पूरा हमने जेड मान लिया, ये जेड लिख लिया, और ये जेड का कंजुगेट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, ये ऐसे वन माइनस अल्फा का बार बटे बीरा, ये हमने पूरा ब्रैकेट लगा कर इस पर कंजुगेट लगा लिया, ठीक ना, यही मतलब हुआ है ना, ये लिख लिया स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड का कंजुगेट, ये पूरा जेड है तो इसका कंजुगेट लगा लिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरे के लगा है तो ये इसका अलग अलग भी हम लोग बांट सकते हैं, ठीक ना, जैसे जेड वन और जेड टू
का पूरे के ऊपर कंजुगेट लगा है तो इसको हम जेड वन का कंजुगेट बटे जेड टू का कंजुगेट लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा बटे वन माइनस अल्फ़ा के ऊपर कंजुगेट, ये पूरा लिख लिया। और इसको देखिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट वन माइनस अल्फ़ा बार बीटा का कंजुगेट, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें एक नियम होता है, अगर जेड वन प्लस जेड टू अगर दोनों को जोड़कर इसका कंजुगेट किया गया है, इसको हम अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं, है ना। जेड वन का कंजुगेट करके फिर जेड टू के कंजुगेट के संग प्लस कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। इसी प्रकार माइनस के संग यही नियम होता है जेड वन ऐसे, ठीक ना। तो देखिए इसमें लिखा है दो पद के ऊपर ब्रैकेट लगा है, देखिए दो पद के ऊपर ये बार कंजुगेट लगा है तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो लिखे हमने बीटा माइनस अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये लिख लिया। और इसको हम लिख सकते हैं बीटा बार, है ना, ये माइनस अल्फ़ा का बार, इस प्रकार लिख लिया। बट इसको लिख सकते हैं हम वन माइनस, देखिए वन का कंजुगेट का कोई मतलब नहीं, वास्तविक भाग है, इसका अगर हम लिखें तो इसका हो जाएगा, देखिए कंजुगेट का कंजुगेट मतलब पूरा केवल अल्फ़ा बचेगा और ये बीटा कंजुगेट हो गया, ठीक ना, इस प्रकार लिख लिया। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए गुणा करते हैं इसका, यही कर लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं इसका अब। तो देखिए इसका गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, बीटा और बीटा, बीटा डैश, इसको बीटा डैश ऐसे कभी कर सकते हैं कंजुगेट अगर निकाल रहे हैं तो, ठीक ना, और नहीं लिखाना तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर बीटा ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये कंजुगेट है इसका, तो ये रहा, ठीक ना। फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा बार, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा कंजुगेट बटे, इसका बड़ा इसमें करेंगे तो देखिए वन माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, इसका बड़ा इसमें करेंगे, देखिए इसका बड़ा इन दोनों में कर लिया, इसका बड़ा इसमें कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा और दो माइनस प्लस, और ये हो जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा का कंजुगेट और बीटा का कंजुगेट, ठीक ना, बस गुणा करके लिख लिया है हमने बराबर। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए बीटा और बीटा कंजुगेट है ये, ठीक ना। तो देखिए यही चीज़ नियम लगा है, अगर हम बीटा बीटा कंजुगेट करें तो हम इसका बीटा का मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीटा का स्क्वायर, ठीक, यही नियम लगाया है हमने, बीटा बीटा का कंजुगेट हो तो किसी भी संख्या का इसके कंजुगेट के संग गुणा करें तो हम इसको मॉड ऑफ स्क्वायर इसका कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको कर लिया। फिर इसको देखिए करेंगे अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट प्लस, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, बट वन माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, मतलब अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, और इसको लिख सकते हैं हम, देखिए ये भी इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर गुणे बीटा बार। अब इसको देखिए इसका मान एक होता है, दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वन माइनस ये अल्फ़ा कंजुगेट बीटा अल्फ़ा बीटा कंजुगेट प्लस, देखिए ये अल्फ़ा का स्क्वायर लिखा हुआ है तो अल्फ़ा का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर हम, मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बटे ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वन माइनस, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं ऐसे, प्लस देखिए इसका मान, देखिए ये है ये बीटा बार एक्स्ट्रा में आया है, एक दो तीन चार पद है, ठीक ना। देखिए जब इसका गुणा करेंगे हम लोग, ठीक ना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा, ये हमने यहाँ लिख लिया गुणा, अब हमने इसका बीटा बीटा का स्क्वायर करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर एक बीटा भी आएगा, ठीक ना, तो ये बीटा होगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा मॉड का स्क्वायर और ये मॉड बीटा का स्क्वायर, ठीक ना, ये छूट गया था हमसे। तो देखिए यहाँ पर ये तो इसका मान भी एक हो जाएगा, चूँकि दिया हुआ है तो एक होगा, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ वन ही होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें
देखिए ये चीज़ है, छूट ना जाए आपसे। देखिए जब ये बीटा बीटा का स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। इसका मान एक होता है, जैसे यहाँ इसका मान यहाँ वन लिख दिया, इसका भी वन वन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, ये सेम क्वांटिटी आ गई है पूरी, ऊपर नीचे सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक आ जाएगा, ठीक ना। ये एक मान किसका आया है, ये आया है बीटा माइनस अल्फ़ा बटे वन माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा का ये स्क्वायर बराबर एक। जब स्क्वायर उस पर लगाएंगे वर्गमूल तो ये वन तो आ ही जाएगा। तो इस प्रकार देखिए ये इस प्रकार इसका वन आंसर आ गया, ये एक आएगा, ठीक ना। तो एक उसका उत्तर आया। अब प्रश्न नंबर 17 हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 है, इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि समीकरण ये दिया हुआ है के शून्यतर, मतलब जो शून्य न हो, ऐसे पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है हमको, ठीक ना। तो समीकरण के कितने शून्यतर पूर्णांक हो सकते हैं, किस संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए इसमें इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए वन ये मॉड वन माइनस आई के घात यक्स बराबर दो के घात एक्स लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे, इसका देखिए मॉड लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं वन करनी में वन का स्क्वायर प्लस ये वन का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस वन का स्क्वायर, ठीक, के घात ये x लिखा हुआ है बराबर 2x, दो के घात x। जब इसको आप हल करेंगे तो एक का स्क्वायर ये आ गया बराबर दो के घात x, एक एक दो बराबर, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। इस रूट टू को ये करनी है ना, वर्गमूल दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x दो के घात एक बटे दो गुणे एक्स बराबर दो के घात एक्स। इस प्रकार ये हो जाएगा यक्स बटे दो बराबर दो के घात एक्स। अब देखिए देखिए इसमें क्या होता है, नियम होता है घातांक करने का, नियम होता है कि बराबर के दोनों तरफ अगर आधार बराबर हो, ठीक ना, बराबर के दोनों तरफ अगर आधार बराबर हो तो घात बराबर हो जाती है, यक्स बटे दो बराबर ये यक्स हो गया, ठीक ना। अब हम तिरे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर x, है ना, इसका बड़ा इसमें करेंगे 2x बराबर x, x को अगर हम अंदर करें तो ये हो जाएगा ये इस प्रकार, इस प्रकार x बराबर देखिए जीरो आ गया, ठीक ना। तो हमारा देखिए x का मान यहाँ पर जीरो आ रहा है, ठीक ना, और ये बोला है शून्यतर पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ये लिखा है कि शून्यतर पूर्णांक कितने होंगे, ठीक ना। तो इसका मान ज्ञात करना था जो शून्य के अलावा हो, तो हमको देखिए यक्स का मान ही शून्य आया है, इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः है ना, यहाँ पर संख्या पूछ रहा है तो शून्यतर पूर्णांक की संख्या बराबर शून्य, मतलब एक भी ऐसा मान नहीं आया जो शून्य के अलावा हो, जो भी मान आया है हमको शून्य ही आ गया है। तो बोलता है कि ऐसे शून्य संख्या बताइए, तो हमको क्या संख्या हम लिखेंगे, जीरो, क्योंकि हमको एक भी देखिए ये जीरो हम वहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर यक्स का मान आया है शून्य, और हमको अगर यहाँ यक्स का मान अगर मान लीजिए एक आता, दो आता, तीन आता, मान लीजिए तीन मान आया होता तो हम यहाँ लिखते शून्यतर पूर्णांकों की संख्या बराबर तीन, गिनती की तीन लिखना था, ठीक ना। अब चूंकि इसका आंसर ही यक्स बराबर जीरो आया है तो इसमें देखिए शून्य के अलावा कोई मान नहीं आया है, तो लिखा देखिए गिनती बोला था शून्यतर पूर्णांक की संख्या, तो हम लिखेंगे जीरो, क्योंकि एक भी शून्य के अलावा मान नहीं आया है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 18 हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 19 में ये चीज़ दिया हुआ है और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसका हम, देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर हल। तो सिंपल इसको आप लिख सकते हैं a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ और g प्लस आई एच बराबर a प्लस आई बी, ठीक ना, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसका मॉडुलस निकालेंगे, ठीक ना। तो मॉडुलस निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए a प्लस आई बी मॉड सी प्लस आई डी मॉड ई प्लस आई एफ मॉड
जी प्लस आई एच मॉड हो गया, ठीक ना, और ये गुड़े गुड़े में है यहाँ पर, ठीक ना, और हो जाएगा जी प्लस आई एच हो गया है, एक दो तीन चार हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस आई बी, ठीक ना। तो मॉड कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम, देखिए ये रूट अंडर होता है, हम इसका अगर दोनों तरफ वर्क कर लें, देखिए यहाँ पर वर्क कर लें हम, ठीक ना, दोनों पक्षों का वर्क कर लेंगे तो ये जो लगता है करनी अगली बार हटा लेंगे, अच्छा ठीक ना, ये करनी अगली बार हटा लेंगे, या तो यहीं रहने दीजिए, मॉड का स्क्वायर लगा रहे हैं हम, ठीक ना। तो क्या होगा, देखिए ये जो रूट लगाते हैं हम लोग, रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना, ये अपना ये रूट हट जाएगा अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो, ठीक ना। तो इसको हम सिंपल ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक ना, मॉड का स्क्वायर लगा हुआ है और ये जाएगा सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर हो गया, और ये ई प्लस एफ, ई का स्क्वायर एफ का स्क्वायर और जी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या होता है, जेड का अगर ये है ए प्लस आई बी है तो इसका मॉड क्या होता है, ए का वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग, और कर्णी में अगर हम इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं तो इस पर से कर्णी भर हट जाती है, तो वही हमने इसका कर्णी नहीं लिख रहे हैं आप, ठीक ना। ए प्लस आई बी, आई ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर देखिए हमको ये सिद्ध ही हो गया, ठीक ना, ये आ गया। तो इस पर हम इसको हल कर लिया और प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 20 अंतिम प्रश्न है, इसमें ये दिया हुआ समीकरण जिसमें m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करना है, ठीक ना, छोटे से छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है m का। तो देखिए इसमें हम ज्ञात कर लेते हैं, इसको आप हल करेंगे 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर के घात m बराबर 1, ठीक ना, ये हो जाएगा 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई, इसको ऊपर नीचे इसके संयुग्मी के संग गुणा कर रहे हैं हम लोग, देखिए पूरे के घात ये m है बराबर 1। इसको जब आप हल करेंगे तो सेम चीज़ है, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर लग गया, और ये देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर बराबर m 1, इसी पूरे घात m है, देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू आई बटे 1 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर देखिए 1 ही होता है, इसका i का स्क्वायर माइनस 1 और इसका 2i बटे ये 2 हो गया, एक के घात m बराबर 1 लिखा हुआ है। देखिए एक में एक किया कट गया और ये हो गया 2i बटे ए 2 के घात m बराबर 1, ये भी कट गया तो ये आया i के घात m बराबर ये 1 आया, ठीक ना। अब हम देखिए यम का क्या मान रखें कि हमको 1 प्राप्त हो जाए, ठीक ना। तो देखिए यम का मान हम रख सकते हैं, देखिए यम का मान अगर हम 4 रख दें, ठीक ना, 4 रखें या 8 रखें, 16 रखें, सॉरी 12 भी रखें, 16 रखें, है ना, 4 का अगर गुणज रखें हम तो इसका मान 1 आ जाएगा। देखिए आई की घात अगर हम 4 रख दें तो 1 आ जाएगा, आई घात 4 हमको मालूम है कि ये 1 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए यम का मान कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक ना। देखिए इस प्रकार पार्ट 5 की विविध प्रश्नावली समाप्त हो गई, अब हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे।